हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू सहज स्टडी पॉइंट। आज हम करेंगे क्षेत्रीय राज्य से संबंधित कुछ 20 प्रश्न अपने। और मैं बता दूँ, ये जो हमारी डेली लाइफ टेस्ट सीरीज है, ये आपको रोज़ाना 1 बजे दोपहर में देखने को मिलती है। तो फ्रेंड्स, अगर आप लोग चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा कॉमेंट करें। तो चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं आज का अपना ये टेस्ट। तो 1 नंबर का क्वेश्चन है, तीसरे आंग्ल मैसूर युद्ध को समाप्त करने के लिए टीपू सुल्तान ने अंग्रेज़ों के साथ निम्नलिखित में से कौन सी संधि की थी? मंगलौर की संधि, श्रीरंगपट्टनम की संधि, मैसूर की संधि, बिदनूर की संधि। तो देखें, इसका आंसर होगा बी, यानी कि तीसरे आंग्ल मैसूर युद्ध को समाप्त करने के लिए टीपू सुल्तान ने अंग्रेजों के साथ श्रीरंगपट्टनम की संधि 1792 में की थी। संधि की शर्तों के अनुसार टीपू को अपना आधा राज्य 3 करोड़ रुपए में युद्ध की क्षतिपूर्ति के लिए देना था। साथ ही जब तक रुपयों का भुगतान ना दे तब तक वह अपने 2 पुत्रों को कार्नवालिस के शिविर में बंधक के रूप में रखना था। नेक्स्ट है आज का सेकेंड क्वेश्चन, गुरु गोविंद सिंह द्वारा खालसा पंथ की स्थापना किस वर्ष में की गई थी? गुरु गोविंद सिंह द्वारा खालसा पंथ की स्थापना किस वर्ष में की गई थी? 1599, 1699, 1707, 1657। देखें, इसका आंसर होगा बी, 1699। तो गुरु गोविंद सिंह जी द्वारा खालसा पंथ की स्थापना 1699 में की गई थी। उनके द्वारा आरंभ पाहुल प्रणाली, कौन सी पाहुल, देखिए कौन सी प्रणाली थी, पाहुल प्रणाली में दीक्षित होने वाले व्यक्ति को खालसा कहा गया। अब गुरु पद समाप्त कर दिया गया और गुरु ग्रंथ साहिब को ही प्रमुख रूप से गुरु का स्थान प्रदान किया गया। नेक्स्ट है 3rd नंबर, खालसा की स्थापना किसने की? गुरु गोविंद सिंह, गुरु रामदास, गुरु नानक, अर्जुन देव। तो देखें, इसका आंसर होगा 1, यानी कि गुरु जो गोविंद सिंह हैं उन्होंने खालसा पंथ की स्थापना की थी। नेक्स्ट है, अकाल तख्त का निर्माण किया था? गुरु रामदास ने, गुरु तेग बहादुर ने, गुरु हरगोविंद ने, गुरु नानक ने अकाल तख्त का निर्माण किया था। तो फ्रेंड्स, इसका आंसर होगा सी, यानी कि गुरु गोविंद सिंह जी ने। तो सिखों के 6वें गुरु थे, कौन से नंबर के थे, 6वें, 10 गुरुओं में से 6वें गुरु थे। गुरु हरगोविंद जी ने अकाल तख्त की स्थापना की थी तथा उन्होंने सिखों को एक लड़ाकू जाति में बदला। उन्होंने अमृतसर की रक्षा हेतु जो लोहागढ़ का किला है उसका निर्माण भी करवाया था। नेक्स्ट देखते हैं 5 क्वेश्चन आज का, वर्ष 1999 का बैसाखी का त्यौहार पंजाब के लिए विशेष ऐतिहासिक महत्व का है क्योंकि इस त्यौहार में खालसा पंथ की स्थापना को 300 वर्ष पूरे हो गए। वर्ष 1999 का बैसाखी का त्यौहार पंजाब के लिए विशेष ऐतिहासिक महत्व का है क्योंकि इस त्यौहार पर खालसा पंथ की स्थापना को 300 वर्ष पूरे हो गए। 20वीं शताब्दी का ऐसा यह अंतिम त्यौहार है। पंजाब के बड़ी संख्या में वे लोग भाग ले रहे हैं जो अनिवासी भारतीय हैं या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो देखें, इसका आंसर होगा 1, यानी कि इस त्यौहार पर खालसा पंथ की स्थापना को 300 वर्ष पूरे हो गए हैं। नेक्स्ट है आज का, इसकी थोड़ी व्याख्या है, खालसा पंथ की स्थापना 1699 में सिखों के 10वें गुरु, कौन से नंबर के गुरु थे, 10वें गुरु थे, गुरु अर्जन गोविंद सिंह ने की थी तथा सिखों की सेना का संगठन कर आनंदपुर को अपना केंद्र बनाया तथा 1999 है उसमें खालसा पंथ की स्थापना 300 को आज क्या है जो 300 वर्ष हैं वो पूरे हो गए हैं। नेक्स्ट है आज का 6th नंबर का क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस सिख गुरु ने गुरु नानक की जीवनवाणी जो है वो जीवनी लिखी थी? निम्नलिखित में से किस सिख गुरु ने गुरु नानक की जीवनी लिखी थी? गुरु अंगद देव ने, गुरु अमरदास ने, गुरु रामदास ने, गुरु अर्जुन देव ने। तो देखें, इसका आंसर होगा ए, यानी कि गुरु अंगद देव जी ने। तो गुरु अंगद देव जिनका प्रारंभिक नाम जो था लहना था, गुरु नानक देव की जीवनी लिखी थी। गुरु अंगद नानक द्वारा आरंभ की गई लंगर व्यवस्था को स्थायी बना दिया। इन्होंने गुरुमुखी लिपि का भी आरंभ किया। वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स दे रखे हैं, इस पैराग्राफ को अच्छे से देख लेना।
7 नंबर का क्वेश्चन है, सिखों के सैन्य संप्रदाय मिलिट्री सेक्ट खालसा का प्रवर्तन किसने किया? हर राय, हर किशन, गुरु गोविंद जी, तेग बहादुर। तो देखिए फ्रेंड्स, इसका आंसर होगा सी, गोविंद सिंह ने। तो सिखों के 10वें गुरु गोविंद सिंह द्वारा सिखों के सैन्य संप्रदाय खालसा प्रवर्तन 1699 ईस्वी में बैसाखी के अवसर पर किया गया। कब? बैसाखी के अवसर पर किया गया। नेक्स्ट है आज का 8 नंबर का क्वेश्चन, सिंध को अंग्रेजों ने कब अधिकृत किया? 1840, 1841, 1842, 1843। तो देखें इसका आंसर होगा डी, यानी 1843 में किया था। नेक्स्ट चलते हैं अपने 9 क्वेश्चन की ओर। तो देखिए, सिंध को 1843 ईस्वी में अंग्रेजों ने अधिकृत कर लिया। इस समय भारत का गवर्नर जो था वो लॉर्ड एलन ब्रो था। कौन था? लॉर्ड एलन ब्रो। नेक्स्ट है 9 क्वेश्चन, गुरु नानक का जन्म स्थान कौन सा था? गुरदासपुर, अमृतसर, लाहौर, तलवंडी। तो देखिए फ्रेंड्स, इसका आंसर होगा डी, यानी कि तलवंडी। तो गुरु नानक का जो जन्म है वो वर्तमान पाकिस्तान के, अब इस टाइम क्या है, ये पाकिस्तान में है, तलवंडी ननकाना साहिब के नाम से 1669 ईस्वी में हुआ था। इनके पिता का नाम कालू मेहता तथा माता का नाम था तृप्ता देवी। माता थी इनकी तृप्ता देवी और पिता का नाम कालू मेहता। वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं इसमें, इसको अच्छे से देख लेना। 10 नंबर का क्वेश्चन है, किस सिख गुरु ने स्वयं को सच्चा बादशाह कहा है था? गुरु गोविंद सिंह, गुरु हरदेव, गुरु तेग बहादुर, गुरु अर्जुन देव। तो देखिए फ्रेंड्स, इसका आंसर होगा डी, यानी कि गुरु अर्जुन देव ने कहा था। तो गुरु अर्जुन देव ने स्वयं को सच्चा बादशाह कहा था। इन्होंने 1604 ईस्वी में आदि ग्रंथ की रचना भी की। खुसरो को समर्थन देने के कारण जहांगीर ने, तो ये याद रखना, ये वाला फैक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है कि इनको मृत्युदंड किसने दिया था। तो इनको जो है 1606 ईस्वी में मृत्युदंड दे दिया। क्यों? कि ये खुसरो है, उनके समर्थन देने के कारण जहांगीर ने इनको 1606 में मृत्युदंड दिया था। नेक्स्ट है अपना 11 नंबर का क्वेश्चन, रणजीत सिंह की राजनीतिक राजधानी लाहौर थी, किस नगर को उसकी धार्मिक राजधानी कहा जाता था? अमृतसर, आनंदपुर साहिब, गुजरावाला या पेशावर।